अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। न्यू ब्लॉग के साथ में माशाल्लाह आज की शुरुआत। तो अब बज रहा है यहाँ का 3:30 और हम लोग ने अभी खाना खाए, और खाना खाने तो आज मन ही नहीं हो रहा था, दिल थोड़ा उदास ही लग रहा था। थोड़ा थोड़ा खाए सब मेरे परी ने, नहीं तो नहीं खाए। मेरे कुछ ऐसे गले में भी दुख रहा था और अच्छा था नहीं बाबा, बहुत खट्टा था। तो हम लोग जा रहे अभी थोड़ा इधर एक मार्केट जा रहे हैं, कुछ काम है, तो फिर हम लोग जाएंगे शाम में दरबार आस्थाने में शाम में, क्योंकि धूप बहुत है तभी नहीं जा सकते। हुर भी उठी नहीं थी तो हुर को आयान के बाद छोड़ के आए, और कुलसुम लोग भी गए तो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा कोई अपने लोग थे सब चले गए। अभी हम लोग अकेले हैं इधर, जाना कोई नहीं, मिलेंगे इंशाल्लाह मुंबई जाके। और हमारी भी कल की यहाँ की वापसी रहेगी इंशाल्लाह ताला सुबह की, तो फजर में तो सबको निकलने बोले हैं, तो देखते हैं। हम लोग तो सेपरेट गाड़ी करके जाने का सोच रहे हैं, तो अभी कल देखेंगे। अभी आज की अपडेट क्या है दिन भर के आप लोग को देंगे इंशाल्लाह ताला। एक बार उसको फोन तो करो डैडी, और उसके बाद में कहा कौन सी मार्केट जा रहे हैं। और ये अंकल बहुत आगे वाले इसके ऊपर बड़ा करे, क्योंकि ये रास्ता जो लेके आए एकदम ट्रैफिक है, जैसा कि आप तो ये रास्ते पे ऐसा ट्रैफिक दिख रहा है जैसे कि अपने इधर सीएसटी रोड रहता नहीं क्या, सेम वैसा ही लग रहा है, सब गाड़ियाँ ये वो सेम वैसे। तो गधे के ऊपर देखो ना कितना वजन लेके जा रहे इधर बाटली पे बाटली। और अभी हाँ मेन रोड पे निकल चुकी है, तो चलो आप लोग बने रहिए आपके अपडेट के। और माशाल्लाह आप लोग बहुत प्यार दे रहे, रिस्पॉन्स दे रहे, इतना मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा आप लोग का हमारे ब्लॉग पे, बस ऐसी प्यार चाहिए आप लोग का हमेशा से। और आप लोग हमेशा से प्यार दिए ही है, नर्वस तो कभी किए ही नहीं है, और ना कभी मेरी फैमिली के साथ में उल्टे सीधे अपने सवाल जवाब किए माशाल्लाह, क्योंकि आप मेरी फैमिली को भी बहुत चाहते हैं, मुझे भी बहुत चाहते हैं, हमारी हूर को भी बहुत चाहते हैं, जैसे परी आयान को भी बहुत चाहते हैं। तो ऐसी प्यार देते रहना, आपकी फैमिली है, आपकी बच्ची है, आपके बच्चे है ना, तो ऐसी प्यार देते रहना। और आपके प्यार की हमेशा से हमारी पूरी फैमिली को ज़रूरत है, और दुआ की भी हमेशा से ज़रूरत है। ओके तो चलो बने रहिए, और क्या बोलूँ मैं अभी कुछ नहीं बोलती। ओके फाइनली अभी हम लोग मॉल में आए थे, क्या हो गया तो लोग बगदादी मॉल, हाँ गाउन मॉल में आए थे। कितना प्यारा डायमंड चमक, हम लोग एक शॉप में घुसे हैं, यहाँ पर हमारी शॉपिंग चालू है। बट मैं आप लोग को ये नहीं बताऊंगी कि मम्मी क्या ले रहे हो, तो आप लोग इंडिया जाके ही देखना मम्मी क्या लिए है। तो अभी यहाँ एक शॉप में बैठे हैं, तो हम लोग बॉम्बे जाके ही बताएंगे हम लोग ने क्या क्या लिया है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है वो नाइटी, सब नाइटी लिया है। तो अभी हम लोग क्या लेने आए वो भी आप लोगों को, आज हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं, अभी तो निकले रूम से वगैरह बहुत थकान हो गई, सफर पे बहुत थक गया। आज ज़ियारत करना है, रुखसती लेना है बाबा से, बहुत काम है, घर पे आए थे, अभी देखते कितने में। तो मिलते हैं आपको थोड़े टाइम में, देखते हैं यहाँ पर थोड़ा इन लोग को समझाने पड़ता है, यहाँ पर जो स्टाफ लोग रहते हैं लोग समझ नहीं पाते, तो लोग को समझा रहे हम लोग। क्या इधर नीचे बैठने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि यहाँ बहुत चलना होता है, इंसान चल चल के ही थक जाता है। एक ही बात बोलता है कि तू मार्केट करती ना तो थकती नहीं है, और जब घर में जाती ना पलंग पे तो तू थक जाती है। तो कौन सा लेगी, तो इसमें से देखती हूँ परी ने परी को, मैंने मेरी आयनिंग मशीन मेरे पास में है ना, अगली बार लेके थी, बहुत मस्त मशीन है, कंगो वाले ब्रश वाली सब उसमें है, सभी ने मशीन परी को भी दिया है।
तो माशाल्लाह देखो शॉपिंग माशाल्लाह आप लोगों की दुआ से कितनी सारी हो गई है। और शॉपिंग ज़्यादा करके तो ना ये सब रिश्तेदारों को देने लेने या इसको देने का उसको देने का एक एक जन का याद आते जा रहा है। तो सारे को बोलते हैं अभी सभी ये तो सभी के लिए लेना ही पड़ता है फिर किसी को बुरा नहीं लगे। हाँ अरे अम्मी की शॉपिंग ऐसी थी बेटा, अम्मी को क्या रिश्तेदारी है, मेरे जो कलीग है, मेरे दोस्त लोग है, तो मुझे सबको देना लेना पड़ता है ना। और मेरे घर में खुद कम लोग नहीं है, मेरी खुद फैमिली में माशाल्लाह 18 से 19 लोग हैं अभी। हाँ 18 से 19 तो पहला तो शायद अभी तो और 2-3 बच्चे भी आ गए ले तो हाँ उनको मिला के ज़्यादा ही हो गए ले। तो अभी बाहर जाके तो मेरे को देखने की ज़रूरत ही नहीं, मेरे घर में खुद ही इतने सारे लोग हैं तो उनको खुद मैं भूल जा रही हूँ किसको क्या लूँ किसको क्या लूँ जैसा भी हो रहा है। तो हाँ करती ये क्या बजरा रहे भाई, तो उसी लिए करना पड़ रहा है बाबा। मैंने तो दो इतने बड़े बड़े लगेज तो आज कुलसुम ने कहा माशाल्लाह ये हम लोग के घर की शॉपिंग तो आज तो इतने बड़े बड़े लगेज तो मेरा इंडिया पहुंच गया आज तक। तो अभी तक तो लोग पहुंच गए रहेंगे समीर, अभी तक तो पहुंच गए रहेंगे कुलसुम लोग क्योंकि नवाज गया तो नवाज को मैं बोली लेके जा भाई दो मेरा लगेज करके। अभी देखते किस किस में लगेज डालना पड़ेगा या तो अगर पैसा भरना पड़ेगा है ना सुना आलम से। तो ये इसको एड्रेस इन लोगों को पता नहीं रहता ना तो लोग पहले बिठाते टैक्सी में तो मतलब हाँ मतलब हम लोग कहाँ बिठाते तो ये लोग फिर पूछते मैं आगे टैक्सी वाले भी अच्छे बेचारे सब करके। चलो अभी रूम पे जाते हैं और मैंने तो कुछ चीज़ ली हूँ इंशाल्लाह ताला बॉम्बे आके आप लोगों को बताऊंगी क्या मैंने ली हूँ सरप्राइज है। और माशाल्लाह इतने बड़े महीने में अल्लाह पाक इतनी बड़ी जगह लाया भी और इतनी बड़ी बड़ी ज्यारतें भी हो गई माशाल्लाह अल्लाह के करम से अल्लाह के हुकुम से रब्बिल आलमीन। और हाँ इतने बड़े महीने में हम लोग आए भी और हम हमारे पूरे बच्चों के साथ में जो मेरे लगते जिगर बच्चे हैं और मेरा लगते जिगर आदमी है उनके साथ में पूरी फैमिली के साथ में। तो मैं हर टाइम मैं आती ना मैं थोड़ी दुबली हो जाती हूँ काबी जाती हूँ मेरी अंगूठी है ना मुझे उतारना पड़ता है और गोल 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 घूमती मेरे हाथों में से। अभी यहाँ भी पूछेगा ये मेरे को है ही नहीं तो हमेशा उंगली में अजमेर भी जाऊँ तो मेरी उंगली ही में से अंगूठी ना हिलते रहती है समय आगे से। तो इतने में मगर ये बार माशाल्लाह मैं इतनी खुश हूँ कि ना मेरे चेहरे पे जरी भी ऐसी शिकश आई है ना मेरी उंगली की अंगूठी घूम रही क्योंकि मेरे बच्चे पूरे कंप्लीट साथ में या हस्बैंड साथ में तो उसे खुशी हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हर कोई अपनी फैमिली के साथ आए ऐसी जो नए आ पाए तो पूरी फैमिली के साथ आए करके तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और क्या बोलूँ चलो आप लोग बने रहिए है ना। तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं ये सब अंकल हमारी थैली छोड़ने आए खोलो नहीं नहीं थर्ड तो फिर अभी जा रहे रूम पे अभी देखते हैं आए तो लोग क्या कर रहे हैं। फाइनली वापस हम लोग आ चुके हैं ज्यारत करने के लिए शाम हो चुकी है हम लोग फिर से ज़ियारत करने आ गए क्योंकि कल हमारी यहाँ से रुखसती है कल हम लोग नजफ जाने वाले तो हम लोग सोचे कि अभी ज़ियारत कर लेते हैं फिर सुबह में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो बहुत अफसोस है वो बात का क्योंकि ये सरजमीन से हम लोग को जाना पड़ रहा है तो आज का हम लोग का लास्ट है कल हम लोग सुबह में निकल जाएंगे तो आप लोग को बताते हैं आप लोग भी ज़ियारत कर लेना। तो यहाँ मम्मी सबको पैसा हम लोग अंदर आए और इतना अच्छा लग रहा है इतना सुकून लग रहा है। और ये अपने बड़े पीर का दरवाज़ा जहाँ से अंदर जाते हैं
आस्ताने के अंदर। आस्थाने में हम लोग आ चुके हैं और ज़ियारत करने, और बहुत सुकून से ज़ियारत हो रही है, देख सकते हो आप लोग। और मुझे जिसने पैसे दिए थे तो आज मुझे मौका मिला है पैसे डालने का, तो सारे के पैसे इधर है, मैंने सब पूरे इकट्ठा करी हूँ, तो अभी मैं डालूँगी। और मैं अगली बार भी पूरे मेरे यहाँ पर चोट लगा के गई थी, ये लगा के लेके जाऊँगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यह बहुत सारी मदद की, यह हमारी आज मतलब सुबह में रुखसती है, तो हम लोग दरगाह शरीफ में आए थे और माशाल्लाह बहुत अच्छे से ज़ियारत भी हो गई, जो भी हमारे अरकान के सारे हो गए माशाल्लाह से। और इतना दुख हो रहा है ना जाने के लिए, क्या करेंगे, सरकार बार बार बुलाएंगे इंशाल्लाह, हम बार बार आएंगे, तो हमारे से सरकार की जैसे कोई गेट भी हुई रहेगी, कोई भी हमारे तरफ से बोलते नहीं क्या हो जाती गलती हो जाती है, तो सरकार हमको माफ़ करो रब्बुल आलमीन। और उनके दरबार में बार बार बुलाए हमारे बच्चे से कोई समीर, हमारे बच्चे से कोई माफ़ी तलाफी रहेगी या मेरे से या समीर से या हमारी उम्र से, वो सरकार माफ़ करने वाले हैं। और ऐसे हम लोग को बार बार बुलाते रहे, तो हमारा दिल को इतना दुख रहा है जाने के लिए, आते सब दिन उठने के लिए भी हो नहीं रहा था, तो क्या करेंगे, जाना तो पड़ेगा, इंशाल्लाह फिर से आएँगे। तो और माशाल्लाह हम लोग सोचे नहीं थे कि वापस हमारी वापसी में इतने टाइम में तो दरबार खुलता भी नहीं है, हाँ माशाल्लाह सलामी हो गई, और उसके साथ में जेंट्स लोग का भी हो गया, तो सभी लोग भी दो बार गए, और आयान तो माशाल्लाह बहुत टाइम तक अंदर था, आयान भी बुलाना पड़ा करते, तो दुआ करना इंशाल्लाह हम लोग इसे बार बार आते रहे रब्बुल आलमीन। और जो भी बोलते रहे क्या हम दुआ किए, अभी बोलेंगे तो हमने किसके लिए किए, क्या किए, कैसे किए, बस अल्लाह पाकता फरमाएता फरमाए, तो फाइनली हम लोग खाने को बैठे हैं और ये आया है एक ऑर्डर, एक सेकेंड ऑर्डर। मम्मा मम्मी का सर बहुत दुख रहा है, अभी हम लोग बैठे यहाँ पर पिज्जा खाते हैं।